में बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। सुबह 10 बजे अंबेडकर स्मारक स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस समारोह में बीएसपी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे राज्य से कार्यकर्ताओं के पहुंचने की भी संभावना है। अलग अलग कार्यक्रम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर किए जा रहे हैं। 10 बजे बीएसपी का ये कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी मायावती। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महू जाएंगे, तो वहीं अगर हम देखें तो बाबा साहब को हमेशा से ही अपना कहने वाली बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। विवेक तिवारी हमारे साथ है। विवेक, एक तरीके से कहे बाबा साहब के प्रति अपना लगाव और एक तरह से उनके सम्मान को लेकर आज देश भर में कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन हर बार एक तरीके से हम कहे तो अलग अलग पार्टियां हैं जो वक्त वक्त पर ये बताती रही हैं कि किस तरीके से बाबा साहब को वो अपना बताते हैं और एक तरीके से बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति भी होती रही है। आज जब जयंती है तो सही अर्थों में हम कहें उनके योगदान को, वो जिस तरीके की सोच रखते थे उसको याद किया जा रहा है। देखिए, इस बार की जयंती खास इसलिए है श्वेता क्योंकि 125वीं जन्म जयंती है बाबा साहब की, और इस बार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी उत्साह है और काफ़ी तैयारी उन्होंने आज के दिन के लिए कर रखी है। मायावती की जहां तक बात है तो मायावती 10 बजे आएंगे अंबेडकर स्मारक स्थल पर। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को यहां बुलाया गया है। हर विधानसभा से 5,000 की भीड़ लाने के आदेश दिए गए थे। लखनऊ के आसपास की जो विधानसभा है वहां से 10,000 कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुँचने का निर्देश दिया गया था। तो काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ यहाँ पर जुटाई गई है मायावती के द्वारा। 10 बजे वो संबोधित करेंगी, अपनी ताकत का मुजाहरा भी करेंगी, और जिस तरह से अंबेडकर को लेकर के बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने दावे ठोक रखे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, उसका भी जवाब मायावती आज अपने कार्यकर्ताओं को रैली के जरिए देना चाहेंगी। और एक तरीके से कहें, वाकई विवेक कहें तो इस बार सब कुछ अलग है, 125वीं जयंती है। आप किस तरीके का माहौल वहां पर देख रहे हैं? देखिए, आज का दिन तो खास तौर पर देखा जाए तो बीएसपी के ही नाम रहने वाला है क्योंकि रैली केवल बीएसपी ही कर रही है। पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है और खासतौर से लखनऊ का जो ट्रांस घूमती एरिया है बीजेपी कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा है। बसेस इनकी लगी हुई हैं, हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं यहां पर और काफ़ी ज़ोरदार भीड़ जुटाने की तैयारी बीएसपी ने कर रखी है। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो मुलायम सिंह यादव श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि देंगे, एक छोटी सी गोष्ठी भी होगी। कांग्रेस ने अपने अलग तरीके से कार्यक्रम कर रखा है। बीजेपी गाँव-गाँव जाकर के समरसता कार्यक्रम कर रही है। प्रधानमंत्री खुद भी आज अंबेडकर साहब की जन्मस्थली पर जाएंगे। तो सब सारी पार्टियों ने तैयारी की है, लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मायावती अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही हैं। वो देखना होगा कितनी बड़ी भीड़ जुटाती हैं और आज के दिन वो बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस को क्या कहती है। क्या ये कहें विवेक, आज वो मौका है जब सभी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश में है हमारे हैं बाबा साहब? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि इतना जोशो खरोश समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी में अंबेडकर जयंती के मौके पर पहले नहीं देखा गया है। जब से बीजेपी की नई सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से अंबेडकर को लेकर के खासतौर से बीजेपी काफ़ी उसने अपने ये दिखाने की कोशिश की है कि अंबेडकर के ही वो लोग अनुयायी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में खास तौर से इस बार देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम दो दिन से हो रहे हैं, कल भी मुलायम सिंह, परसों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, फिर शिवपाल ने किया, फिर आज भी कार्यक्रम रखे गए हैं। तो एक तरह से कहें कि होड़ लगी हुई है विवेक, ये कहें अगले साल चुनाव है और ऐसे में 125वीं जयंती कई मायनों में बहुत खास है। जी बिल्कुल, काफ़ी खास है और जैसे मैंने बताया कि मायावती यहाँ पर रैली कर रही हैं। बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में 10 दिनों तक चलने जा रहा है और सभी ये चाहते हैं कि अंबेडकर को अपना बताकर उनको ऐसा लगता है कि दलितों का वोट उनको मिल सकता है। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो देखने की बात है, लेकिन फिलहाल कोशिश सारे दलों की तरफ से जारी है। बिल्कुल विवेक, आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम हो जाता है कि अगर हम बाबा साहब के योगदान की बात करें, उन्हें आज कितना याद किया जाता है, उनके आदर्शों पर कितना वाकई समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, या ये कहें सिर्फ एक होड़ मची हुई है बाबा साहब को अपना कहने की।